अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेकर आ रहे हैं, वो है बर्गर। हम आप लोगों को सिखाएंगे कि बर्गर कैसे बनता है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने चार जो है बर्गर के वो लिए हैं पीसेस। दोस्तों यहाँ पर हमने एक मायोनीज का पैकेट लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमने अचार लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमने चार टमेटोज लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा सा सलाद लिया हुआ है। यहाँ पे हमने दो अंडे लिए हैं। यहाँ पे हमने एक प्याज लिया है और इसे हमने इस तरह से काट दिया है। दोस्तों टमेटोज को भी हमने इसी तरह से गोल गोल काट दिया है। और यहाँ पे हमने एक हरी मिर्च लिया और इसे हमने कूट दिया है। थोड़ा सा ऑयल लिया है 2 टीस्पून, और हमने जो बर्गर के पीसेस लिए थे वो हम इसमें थोड़ा सा ऐसे भिगो देंगे। दोस्तों बस थोड़ा सा हम इसको गर्म करके फिर वापस निकाल देते हैं। और इसका जो है घी खुश कर देते हैं। दोस्तों अभी हम दूसरा भी इस तरह कर लेंगे। इसी थोड़े से घी में, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, बस इसी से थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके सबको हम इसी तरह करते जाएंगे। थोड़ा सा जब घी में थोड़ा सा ये जो है भिगो जाए, गर्म हो जाए, बस फिर हम वापस इसको निकाल देंगे। अगर आप लोगों ने कच्चे वाले पीसेस लिए हैं तो आपको थोड़ा सा उन्हें पकाना होगा ताकि उसका कलर इसी तरह येलो आ जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इन सबको कर लिया है इसी तरह से। हल्का हल्का इन पर जो है घी की जो है वो आ चुके हैं, गर्म भी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी लिया हुआ है। अभी हम इसमें जो है अंडे का जो है अंडे को पका देंगे। उसमें दो अंडे हैं, हम उनको अलग अलग पकाएंगे। और साथ ही दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा फिर चलाएंगे। दोस्तों हमारे ऑमलेट तैयार हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा बस हम इसके ऊपर नमक डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक जो है पीस लिया हुआ है, और इसका हमने ये वाला सेट जो है नीचे की तरफ कर दिया, ये वाला सेट हमने ऊपर तक कर दिया। और दोस्तों हमने जो मायोनीज लिए थे वो हम इस पे लगा लेते हैं। दोस्तों इसमें हमने अच्छी तरीके से मायोनीज लगा दिए हैं। अभी जो हमने ऑमलेट बनाया था अंडे का वो हम इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। दोस्तों इसमें हमने ऑमलेट रख दिया। अभी हमने जो प्याज गोल गोल काटे थे वो हम इसके ऊपर रख देते हैं। दो पीसेस आ रहे हैं तो हम दो ही रख देते हैं इसमें। और बाद में इसके ऊपर दोस्तों हमने जो अचार लिए थे वो अचार जो है हम इस पर लगा लेते हैं। इस तरह चम्मच के साथ लगा लेते हैं। दोस्तों अभी हमने सलाद जो लिए थे वो सलाद हम इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। और साथ ही जो हमने सलाद के ऊपर जो हमने टमेटोज लिए थे वो हम इसके ऊपर रख देते हैं। दोस्तों टमेटोज के बाद हम जो है फिर से एक जो है उसके ऊपर थोड़ा सा सलाद रख देंगे। और सलाद के ऊपर फिर से हम जो है प्याज जो लिया था हमने वो एक दाना रख लेंगे। और इसके ऊपर हम अभी थोड़ा सा जो है अचार लगा लेंगे।
अभी दोस्तों हमने प्याज रख दिया, उसके ऊपर अचार लगे। अब जो हमने हरी धनिया जो सॉरी हरी जो मिर्ची काटी थी वो उसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इसके ऊपर दोस्तों हम थोड़ा सा केचप भी लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे। अभी दोस्तों हमारा जो है ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने जो दूसरा वाला पीस उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बर्गर तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। आप देख सकते हैं ये रेसिपी जो है आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बना दिया, आपको दिखा दिया। और मज़ीद ऐसे जो है रेसिपीज़ को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।